Hello guys, welcome to you in my YouTube channel. Today I'm going to share with you third part of English spoken course. So सबसे पहले guys आप देखिएगा कि मैं दो part already upload कर चुका हूँ, तो आप उनको देखिएगा और इस वीडियो को भी आप देखिएगा. इससे बहुत helpful वीडियो है, जैसे हिंदी मीडियम्स के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कैसे वो इंग्लिश को सीखें, और उनके लिए मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से इसको वीडियो को बनाया हुआ है. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपकमिंग वीडियो भी फिर आपके लिए नोटिफिकेशन देती जाएगी. तो इसलिए सबसे पहले शुरू मैं प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी टू वीडियोज़ में. तो अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस के बारे में, उसके चारों फॉर्म के बारे में. ठीक है, तो आपको टेबल दिख रही होगी सामने, तो मैंने टेबल पहले बनाई हुई है, फिर इसका मैं एग्जांपल तरीके से आपको समझाऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज द फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस में आने वाले समय को दर्शाता है. तो ये जो अपकमिंग जो हमारा आने वाला है ये उस टाइम को इंडिकेट करता है जो हमारा फ्यूचर में आने वाला है. ठीक है, तो आप देखिएगा तो ये भी फ्यूचर टेंस अपने चार फॉर्म में ब्रेकआउट होता है, चार फॉर्म में सेपरेट होता है. तो सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस है. तो ये होता क्या है, ठीक है, अगर हिंदी के वाक्य के अनुसार वाक्य के अंत में गा गी गे है तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तो इसकी जो सहायक क्रिया होगी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल सेल. एक वचन के लिए विल आएगा, बहुवचन के लिए सेल आएगा, मीन्स सिंगुलर के लिए विल, प्लूरल के लिए सेल. ठीक है, तो इसकी जो मुख्य क्रिया क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है, तो ये फर्स्ट फॉर्म आएगा और इसकी पैसिव जो होगा विल बी, सेल बी में होगा. ठीक है, अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल तरीके से आप समझिएगा इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए. अब याद हो गया आपको गा गी गे वाक्य के अंत में आएगा. ठीक है, इधर मैंने रूल बनाने के नियम मैं ऑलरेडी अपनी दो वीडियो में भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें भी मैं बता देता हूँ कि साधारण वाक्य के लिए सिंपल सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट मीन्स कर्ता आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा सहायक क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म. ठीक है, जो कर्म हो रहा है, लेकिन ये साधारण है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फिर नकारात्मक जब सेंटेंस बनेगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अब देखिएगा आप, सब्जेक्ट करता प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट जुड़ेगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये आप और अच्छे तरीके से तब समझेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसको. यह देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक के लिए, क्योंकि अब जहाँ पर भी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनता है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. ठीक है, तो अब देखिएगा आगे, दे मैंने अभी आपको बता रहा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, वाक्य के अंत में अगर गा गी गे है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है, गा गी गे. ठीक है, एग्जांपल समझिए आप, मैंने अभी बताया आपको कि सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं. तो देखिएगा, राम गाना गाएगा, वाक्य के अंत में गा है ना, तो राम विल सिंग ए सॉन्ग. ठीक है, राम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, विल बी, विल क्या है, सिंगुलर है, तो तभी तो विल आया ना, तो गाएगा. तो देखिएगा, राम विल सिंग ए सॉन्ग, आप इसको अलग सेंटेंस बनाइए फिर इसका यूज़ कीजिए. ठीक है, अब देखिएगा ये प्लूरल में है, वे गाना गाएंगे, दे सेल सिंग ए सॉन्ग. ठीक है, ये तो सिंपल में बन गया. अब देखिए दूसरा जो मैंने रूल बताया था कि ये नेगेटिव में कैसे बनेगा. ठीक है, अब देखिएगा, राम गाना नहीं गाएगा, तो मैंने क्या बोला था, पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब एंड देन अदर. ठीक है, राम विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, हो सकता है यहाँ पर श्याम हो, श्याम गाना नहीं गाएगा, श्याम विल नॉट सिंग ए सॉन्ग. तो अब ये हो सकता है इसको चेंज करें, तो राम खाना नहीं खाएगा, राम विल नॉट ईटिंग, राम विल नॉट ईट फूड. ठीक है, तो इस तरीके से आएगा. अब देखिएगा यहाँ प्लूरल में देखिएगा, वे गाना नहीं गाएंगे, दे सेल नॉट सिंग ए सॉन्ग. ठीक है, गाना नहीं गाएंगे, तो इस तरीके से आप देखिएगा. अब इसके तरीके से अब जो तीसरा देखिएगा आप, अब गाइस इसको आप आगे देखिए कि ये इंट्रोगेटिव में कैसे बनता है. ठीक है, ये तो साधारण वाक्य हो गया, ठीक है, नेगेटिव वाक्य भी हो गया नकारात्मक. अब देखिएगा कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का
इसमें कैसे बनता है कि अब देखिएगा प्रश्नवाचक, क्या राम गाना गाएगा, ठीक है, विल राम सिंग ए सॉन्ग। मैंने रूल बताया था आपको, यहाँ पर रूल देखिएगा आप, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम है, फिर सिंग क्या है, मेन वर्ब है, फिर ये, फिर अदर हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये तो सिंगुलर, अब देखिए प्लूरल के लिए, क्या वे गाना गाएंगे, शैल दे सिंग ए सॉन्ग। तो ये गाइस प्रेजेंट ये हो चुका है। अब देखिएगा, अब देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, अगर गा गी गे आएगा, तो वो क्या होता है, वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, सेल बी, ठीक है। और इसका जो मेन वर्ब होगा फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। मैं आपको अभी एग्जांपल तेज से बताता हूँ। तो देखिए गाइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, आएगा, ठीक है। आप देखिएगा इसको, तो एग्जांपल है, तो ये सिंपल सेंटेंस, ए बी सी, मीन्स ए है सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, बी है नकारात्मक वाक्य, सी है प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो साधारण क्या, राम गाना गा रहा होगा, मैंने बताया था वाक्य के अंत में रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, राम विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बताया था मैंने कि वो पीछे टेबल देख, टेबल दिखाई है, सब्जेक्ट है विल बी, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब प्लूरल में आएगा बहुवचन में, वो एक गाना गा रहे होंगे, ठीक है। दे सेल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, ये साधारण वाक्य। अब देखिए नकारात्मक कैसे बनेगा, राम गाना नहीं गा रहा होगा, देखिए यहाँ रहा होगा तो है, लेकिन अब नहीं गा रहा होगा, तो बीच में यहाँ पर आएगा विल बी, है ना, तो इसमें भी वो नॉट यहाँ पर बीच में आया, ऐसा नहीं कि विल बी नॉट सिंगिंग, नॉट नहीं आया, वो गलत हो जाएगा। राम विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, सिंगुलर में एक वचन। अब यहाँ पर क्या है, वे गाना नहीं गा रहे होंगे, देखिए रहे होंगे अंत में आ रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दे शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, कैसे प्रश्नवाचक, क्या पहले है, क्या राम गाना गा रहा होगा। तो मैंने बता रूल मैंने बताया हुआ है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहला है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पूरा विल बी है, लेकिन ये विल बी पूरा आगे नहीं आएगा, ये बीच में आएगा, जैसे नॉट, हम यहाँ विल नॉट बी, तो यहाँ देखिएगा विल राम बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, ये आ गया सिंगुलर के लिए, क्या राम गाना गा रहा होगा, विल राम बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए आगे देखिएगा, क्या वे गाना गा रहे होंगे, ठीक है, शैल दे बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है गाइज, ये कंप्लीट होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मैं आपको टेबल से दिखाता हूँ, देखिए गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, तो इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव, ठीक है, और या फिर थर्ड, इसका जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल तरीके से आपको बताता, देखिए गाइस वाक्य के अंत में चुका होगा, ठीक है, रामा राम गाना गा चुका होगा, मीन्स राम, अब देखिए मैंने बताया था कि विल हैव, शैल हैव, इसका क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, राम विल हैव सैंग ए सॉन्ग, पहले सिंग था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी है, रूल क्या है कि मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म सिंग, पहली पहली जो फॉर्म होती है वर्ब की वो होती है सिंग की, वो है सिंग, सेकेंड फॉर्म है सैंग, एंड थर्ड फॉर्म भी है सैंग, इसलिए विल हैव सैंग आया है ये, ठीक है, राम विल हैव सैंग ए सॉन्ग। अब ये प्लूरल बहुवचन में आया, आएगा वे गाना गा चुके होंगे, दे शैल हैव सैंग ए सॉन्ग, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ये नॉर्मल साधारण वाक्य बन गया। अब नकारात्मक देखिए, राम गाना नहीं गा चुका होगा, चुका होगा ना, नहीं गा चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव सैंग ए सॉन्ग, ठीक है, नॉट जोड़ना है और सेम ऊपर ही ऐसा है, ऊपर ही जैसा है, तो वे गाना नहीं गा चुके होंगे, दे सेल नॉट हैव सैंग ए सॉन्ग, सेम ऊपर ही जैसा है, बस नॉट जोड़ना है बीच में, सेल नॉट, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा आप, अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, प्रश्नवाचक कैसा बनाएंगे, ठीक है, क्या राम गाना गा चुका होगा,
विल राम हैव सैंग ए सॉन्ग। अब देखिएगा क्या, विल राम हैव सैंग ए सॉन्ग, आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लूरल में आएगा, बहुवचन में, क्या वे गाना गा चुके होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्लूरल के लिए सेल आएगा, तो सेल पहले आएगा, सेल दे हैव, ऐसा नहीं आएगा कि सेल हैव दे, नो, तो यहाँ पर आएगा सेल दे हैव सैंग ए सॉन्ग। तो ये कंप्लीट हो गया गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके क्या है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे समय के अनुसार। ठीक है, समय दिया होगा हमारे पास, तब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के जैसा हो जाएगा कि रहा होगा, रही होगी, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ से और यहाँ में डिफरेंस क्या है, यहाँ का हेल्पिंग वर्ब अलग है और यहाँ पर, वहाँ पर समय का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ये, लेकिन यहाँ समय के अनुसार होगा, मैं आपको टेबल से बताता हूँ। देखिए गाइज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, समय के अनुसार है ये। ठीक है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा विल हैव बीन, सेल हैव बीन, और इसका जो थर्ड, इसके लिए जो मेन वर्ब होगा फर्स्ट प्लस ING फॉर्म आएगा। ठीक है, याद दी, इसको ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल तरीके से बताता हूँ। देखिए गाइज, राम, इस सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य पहले बनाते हैं, राम 1 घंटे से गाना गा रहा होगा, 1 घंटा टाइम आ गया ना, रहा होगा और टाइम भी है 1 घंटे से, तो राम विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर। ठीक है, तो राम 1 घंटे से गाना गा रहा होगा, यहाँ पर क्या, ये विल हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, राम विल हैव बीन सिंगिंग, सिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन इसके फर्स्ट प्लस ING फॉर्म में, इसका जो मेन वर्ब, अब फर्स्ट प्लस आई सिंग, फर्स्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है और ING फॉर्म है। ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर, ठीक है, ये सिंगुलर में बन गया है। अब ये प्लूरल में बनेगा तो कैसे आएगा, वे 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे, 1 घंटे से, टाइम ये है 1 घंटा, और वे मीन्स प्लूरल है, दे सेल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर। ठीक है, नॉर्मल बन गया। अब इसको गाइस, इसको अब बनाना है नकारात्मक में, राम 1 घंटे से गाना नहीं गा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और तो सेम ऊपर जैसा है, बस नहीं जोड़ना है, यहाँ पर नहीं, बीच में जोड़ना है, विल नॉट हैव बीन। ठीक है, आप देखिएगा, राम विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर, तो आप ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए कि राम विल हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसा नहीं आएगा, राम विल नॉट, यहाँ पर आएगा राम विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब इसको प्लूरल में आप देखिए, वे 1 घंटे से गाना नहीं गा रहे होंगे, दे सेल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर। ठीक है, सेम एज जैसा ऊपर है, लेकिन नॉट जोड़ना है बस इसके यहाँ पर, दे सेल नॉट हैव बीन। तो अब जो है, अब इसको इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में कैसे बनाना है, अब उसके लिए है, क्या राम 1 घंटे से गाना गा रहा होगा। ठीक है, 1 घंटे से क्या पहला है, तो विल पहला है, विल राम हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर। ठीक है, आप सेंटेंस खुद बनाइए, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट इनको कीजिए, मैंने टेबल आपको दी हुई है ऊपर, देखिएगा पहले क्या, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ये बीच में आएगा, फिर उसके बाद आगे वाला है। ठीक है, राम विल राम हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर, अगर इसको प्लूरल फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या वे 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे, सेल दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस एन आवर। तो गाइज ये कंप्लीट हो गया है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ये थर्ड पार्ट था, और टेंसेस का सारा रूल्स, सारा पहचान क्या है, कैसा है, आप इसके, ये कंप्लीट, आप इसके बारे में जानिए, और जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो सेंटेंस आप बनाएंगे कैसे, सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए आपको पहले रूल जानने हैं और फिर उसके, तभी आप जो है एक इफेक्टिव तरीके से इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।